हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, अभी मेरे पास एक नए बॉक्स है जो वाइब्रेशन सेंसर का है, और इसको ओपन करते हैं और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है आपसे शेयर करते हैं। अभी अभी हमने इसको लिया है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है प्लांट का उसके हिसाब से हमने ऑर्डर करके अभी से मंगाया है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा वाइब्रेशन सेंसर का बॉक्स में ये आपको एक्सटेंशन केबल दिख रहा है। तो ये जितने भी सारे हैं एक्सटेंशन केबल है, और ये हमारा वाइब्रेशन सेंसर है। दोस्तों, इसको देखते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे माउंटिंग प्लेट है दोस्तों, माउंटिंग डिस्क जो उसको बोलते हैं, और जो थ्रेड होता है वो है। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये डिस्क है, और ये हमारा जो है ये थ्रेड है, 8 mm का है। एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको ये कर सकते हैं। ये हमारा वाइब्रेशन सेंसर में कनेक्ट होता है, और ये हमारा किसी भी मोटर के बॉडी पार्ट्स में, बॉडी में जाकर ये इंस्टॉल किया जाता है, इसको टाइट कर दिया जाता है। तो अभी इसको हम कंप्लीट आपको अरेंजमेंट एक दिखाते हैं, इसको कनेक्शंस करके, वेदर कंट्रोल कनेक्शंस नहीं होगा दोस्तों। अभी जो हमारे पास एक्सटेंडेड केबल है उसको वाइब्रेशन सेंसर से और ये थ्रेड से कनेक्टेड करके आपको मैं दिखाता हूँ, सो दैट आप अच्छे से समझ सके दोस्तों। तो इसको चलिए दोस्तों करते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो दोस्तों, मैं एक कंप्लीट सेटअप कर लिया हूँ एक्सटेंडेड केबल के साथ, वाइब्रेशन सेंसर का कनेक्ट करके ये थ्रेड लगाकर। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले कुछ इसके बेसिक जो भी फीचर्स है उसके जानते हैं, फिर इसको समझते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा देख रहे वाइब्रेशन सेंसर आपका, ये प्रो का है, CTC में, USA में बनता है दोस्तों ये मैन्युफैक्चरर। इसकी जो कॉस्टिंग की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसका जो है 20,000 अप्रॉक्स प्राइस है एक वाइब्रेशन सेंसर का दोस्तों। ये जो है इसका रेंज अगर बात करें दोस्तों, तो 4 to 20 milliamps एनालॉग इनपुट सिग्नल है। अगर इसकी वैल्यू जो रेंज है सेंसर का, उसका रेंज है दोस्तों 0 to 25 mm per second। तो ये हो गए दोस्तों इसके कुछ फीचर्स। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस तरह का सेंसर है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये आपको बताना है कमेंट में कि ये किस तरह का सेंसर है। इसके कनेक्टिंग पोर्ट्स है, देख सकते हैं दो तरह का पिन है इसमें, टू टाइप का पिन है। ये डिपेंड करता है दोस्तों आप किस तरह का लेते हैं। ये 3-wire system भी आता है, 3-pin system भी आता है। तो ये हो गया दोस्तों इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस एक्सटेंडेड केबल और सेंसर के साथ जो लगा हुआ है इसके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक्सटेंडेड केबल के साथ इस सेंसर को कनेक्ट करा है। कनेक्ट करने में ये कनेक्टर है जो एक्सटेंडेड केबल के साथ अटैच है, इसमें 2 pin के साथ कनेक्ट हुआ है। ये हमारा उसका बॉडी पार्ट है सेंसर का, और ये हमारा थ्रेड है। ये थ्रेड हमने यूज़ कर रहा है दोस्तों 8 mm का, हमारे पास बहुत सारा है 8 mm का, बट जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फील्ड में आपका जो मोटर का बॉडी है उसमें जाके लगेगा आपका। अगर मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है आपका थ्रेड, अगर किसी मोटर में, अगर मोटर की एग्जांपल लो तो किसी मोटर में अगर थ्रेड नहीं दिया है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये हमारा माउंटिंग डिस्क दिया हुआ है मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो वाइब्रेशन सेंसर का है, उसको वहाँ वेल्ड करना है। उसके बाद इसको उसमें जाके कनेक्ट कर देना है दोस्तों, और टाइट कर देना है। अदरवाइज अगर मैन्युफैक्चरर के द्वारा अगर आपको थ्रेडिंग दिया हुआ है किसी भी मोटर में, तो आप डायरेक्ट इसको ले जाकर वहाँ पे टाइट कर देंगे। फर्दर आप ये जो देख रहे हैं, आप एक्सटेंडेड केबल JB के थ्रू जो भी आपका कंट्रोल केबल है वो PLC को जाएगा, वहाँ कनेक्ट कर देंगे। PLC फर्दर उस जो भी वैल्यू उसको रीड करेगा, कन्वर्ट करने के बाद आपका कंट्रोल रूम को वैल्यू दिखाएगा दोस्तों। तो ये कुछ हो गया दोस्तों बेसिक सेटअप्स एंड स्पेसिफिकेशंस। अब मैं आपको फील्ड में चल के दिखाता हूँ कि किस तरह से जो भी मोटर है, बॉडी पार्ट्स, इक्विपमेंट्स, उस पर किस तरह से इंस्टॉल किया गया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप वाइब्रेशन सेंसर का मैंने फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ, उसका अच्छा रिस्पांस भी आपके द्वारा आ रहा है, उसको जाकर देख लीजिए, सो दैट और भी अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी फील्ड में चल के देखते हैं। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं, ये हमारा वाइब्रेशन सेंसर वर्टिकली आपको इंस्टॉल किया गया है इस पे बॉडी पे। इसमें बस एक अलग डिफरेंस ये है कि दोस्तों, अब जो माउंटिंग आपको डिस्क बताएं उसको वेल्ड करके उसके ऊपर टाइट किया गया है वाइब्रेशन सेंसर को, और ये हमारा फर्दर एक्सटेंडेड केबल के थ्रू इंस्ट्रूमेंट JB में जा रहा है। अभी मैं एक और दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें अब वेल्डेड नहीं किया गया है। ये वाला आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें वाइब्रेशन सेंसर सेम एज इट इज वर्टिकल में किया गया है इंस्टॉल, बट इसमें जो आप माउंटिंग जो डिस्क बताया है उसको उसके ऊपर वेल्ड नहीं किया गया। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट JB को गया एक्सटेंडेड केबल के थ्रू, और ये आपका इसमें भी देख सकते हैं आप, एक मोटर ब्लॉक दिख रहा है, इसमें दोनों है वर्टिकल और जेंटल, दोनों वाइब्रेशन सेंसर है। ये जो है दोस्तों देख रहे हैं JB है, JB से हमारा केबल गया एक्सटेंडेड केबल, और ये हमारा ब्लॉक में गया। ये जो ब्लॉक है दोस्तों मैन्युफैक्चरर आपका प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप डायरेक्टली आप वाइब्रेशन सेंसर को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें विदाउट
यूजिंग अ माउंटिंग प्लेट और डिस्क। इसके अलावा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका किसी भी तरह का डाउट है तो हमें इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।